हाउ टू ऐड द गैस सेंसर लाइब्रेरी इन द प्रोटियस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस सेंसर लाइब्रेरीज को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे 8 डिफरेंट पैकेजेस हैं गैस सेंसर लाइब्रेरीज के, तो ये मैं आपको बता दूंगा वो कैसे ऐड करना है और फिर इंस्टॉल करने के बाद आप इसे डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपके पास फाइल होगी जिप फाइल, इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 फाइल्स मिलेंगी। तो ये जो फर्स्ट 2 फाइल्स हैं आपको इन्हें दोनों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे प्रोटीज प्रोफेशनल के अंदर आ जाना है एंड ओपन दी फाइल लोकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे बिन के अंदर से बाहर जाना है और यहाँ पे डाटा के अंदर लाइब्रेरी का फोल्डर है। अगर आपके केस में ये मिल नहीं रहा आपको लाइब्रेरी का फोल्डर, तो आप ये डिफरेंट सब फोल्डर्स को ट्राई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का फोल्डर मौजूद होगा। अगर उसके बाद भी आपको नहीं मिलता तो देन मैंने वीडियो इसके ऊपर कम्प्लीट बना रखी है कि हाउ टू फाइंड दी लाइब्रेरी फोल्डर इन दी प्रोटियस, तो वो आप जाके मेरे चैनल से सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी फोल्डर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल वी करना है और मैंने क्योंकि ऑलरेडी प्लेस कर रखा है तो मुझे वो कह रहा है कि रिप्लेस दी फाइल इन द डेस्टिनेशन। आपके केस में ऐसा नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट ही पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद ये दोनों फाइल यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर आपने प्रोटीस को रन करके रखा हुआ है तो आप प्रोटीस को शट डाउन कर दें और शट डाउन करने के बाद आप प्रोटीस को दोबारा ओपन करें। तो अब मैंने प्रोटीस को दोबारा रन कर लिया। अब रन करने के बाद हम इसे डिवाइस के अंदर आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा गैस सेंसर। तो यहाँ पर जैसे मैंने गैस सेंसर लिखा तो ये तमाम पैकेजेस जो इसके मौजूद हैं 8 पैकेजेस हैं डिफरेंट, ये मिल जाएंगे। ये डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट डिजाइंस के साथ अवेलेबल है लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो सेम ही है। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं या 4 के 4 या 8 के 8 सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपके पास जो होगा ये सेंसर आ जाएगा। इसके बाद इसकी जो हेक्सा फाइल है वो हेक्सा फाइल आपको सेलेक्ट करनी है उसका पाथ। तो मैं अपने जहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ पे चला जाता हूँ और जाके इसका पाथ को पेस्ट करता हूँ। जैसे कि मेरा ये वाली डॉट हेक्सा फाइल जो है गैस सेंसर की, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और ये पाथ जो है आ चुका है। आप इसके अलावा इसका पाथ इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो इसे ओपन विद प्रोटीस कर लें या किसी भी विंडो के अंदर इसे ओपन करने की कोशिश करें तो इसके बाद आपको उसका पाथ दिख जाएगा। तो उसके पाथ को कॉपी करके आप ला सकते हैं या फिर ये जैसे कि ये पाथ है इसका कंप्लीट सी यूज़र, यहाँ से आप इसे कॉपी कर लें। ये पाथ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद लेकिन अब मुझे यहाँ के उसे दोबारा यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये गैस सेंसर टैप डॉट हेक्सा फाइल, इसके से पीछे जो है मुझे ये पाथ को पेस्ट करना है तो वो सेम एक जैसी ही बात हो जाएगी। लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसे यहीं से चूज़ करें जहां से मैंने आपको चूज़ करने का बताया है, यहां से चूज़ करने से तो ये बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको पाथ को कहीं से भी जाके फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। और ओके कर दें तो आपके पास हेक्सा फाइल भी इसके अंदर आ चुकी है। अब आप सर्किट को रन कर सकते हैं अपने किसी भी आर्डिनो या किसी भी डिवाइस के साथ जिसके साथ आप इसे टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपके पास ये URL होगा, ये URL मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी कर दूंगा। इस URL के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे 100 प्रोटीस सेंसर लाइब्रेरीज का ये एक आर्टिकल है, इसके अंदर जो तमाम लाइब्रेरीज हैं उनके URL मौजूद हैं, डायरेक्ट डाउनलोड URL। तो यहाँ पे आपको गैस सेंसर लाइब्रेरी ये दिख जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो डायरेक्ट डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट डाउनलोडिंग की स्टार्ट हो जाएगी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये डाउनलोड हो चुका है, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें कि ये अभी लेटेस्टली डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप गैस सेंसर लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं प्रोटीस के अंदर और इंस्टॉल करने के बाद उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्कीमेटिक बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाली वीडियोस को पर वक्त देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और अगर किसी और सेंसर को आप फाइंड करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, उस वक्त तक सीखते रहिए और सिखाते रहिए।